आज हम बनाएंगे चिली गोभी घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल में। ठीक है, ये मैं आज जो मैं बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दी है। यमी दिख रही है एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी गोभी लिया है, उसको कट किया है। एक एक फूल अलग कर करके कट करेंगे। एक एक फूल पूरा हमें चाहिए। ठीक है, इसे पानी में डाल दिया है। एक चम्मच नमक डालेंगे और इसको 3-4 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको तुरंत ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने एक पैन में 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है। 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है क्योंकि इसे क्रिस्पी बनाना है। थोड़ा सा हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया है, मतलब काली मिर्च। उसके बाद हमने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च दिया है, इसको रंगत के लिए। आप रंगत के लिए लाल कलर भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए हमने डाला एक बार 1 चम्मच हमने चाट मसाला डाला था, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और ऊपर से कसूरी मेथी। अभी पानी डालकर हमने इसको पेस्ट बना लिया है, स्मूथ पेस्ट बनाना है। उसके बाद जो बॉयल की हुई गोभियाँ हैं उसको हम पानी से हटाकर गोभियों को इसमें डालेंगे और इसके ऊपर इस पेस्ट की कोटिंग करेंगे। हल्के हाथों से करना है ताकि गोभियाँ टूटे ना। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में तेल को गरम करना है, फिर एक एक करके अपनी गोभियों को डालना है। थोड़ा दूर दूर डालिएगा ताकि आपस में चिपके ना। ठीक है, और नमक का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आपने बॉयल करते टाइम भी नमक डाला है और उसके ऊपर कोटिंग में भी नमक डाला है, चाट मसाला भी डाला है, तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, सारी गोभी हमने एक साथ में डाल दी थी, उसको टर्न भी कर लिया है। पलटते टाइम ध्यान रखें कि बहुत ही हल्के हाथों से करें। ठीक है, दूसरी तरफ भी हमने डीप फ्राई किया है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, एक बड़ा प्याज लेंगे, इसको कट करेंगे। इसकी परतें अलग अलग कर लेंगे। फिर एक बड़ा शिमला मिर्च लेंगे, इसको कट करेंगे। ना ही ज़्यादा छोटा ना ही ज़्यादा बड़ा, मीडियम साइज़ में कट करना है। एक कढ़ाई में तेल लेना है, जीरा लेना है, थोड़ा सा लहसुन डालना है और ये अनियन और अपने शिमला मिर्च डालकर इसे सौते कर लेना है 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 2 चम्मच हमने टोमेटो सॉस लिया है और 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस और साथ में हमने लेना है सेजवान चटनी। मैंने सेजवान चटनी 1 चम्मच ही डाली है, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो। ये सेजवान चटनी डालकर मैंने मिक्स कर दिया है। अपनी गोभियों के पकौड़े भी डाल दिए हैं, इसको मिक्स कर दिया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और कसूरी मेथी डाली है। मेरे पास आज धनिया नहीं थी तो मैंने कसूरी मेथी से ही काम चला लिया है। ठीक है, अभी हम प्लेट सजा रहे हैं। मेरा वो तैयार हो गया है गोभी चिली, तो ये हमने मेयोनीज और सॉस और चिली गोभी से प्लेट सजा दी है। ये खाने में बहुत ही यमी है, टेस्टी है। ऊपर से आप स्प्रिंग अनियन और धनिया से गार्निश भी कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट पसंद आए बनाकर घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, मगर मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।